हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे पास ये Realme का C11 2021 फ़ोन आया हुआ है, जो कि फ्रेंड इसमें जो प्रॉब्लम है वो FRP लॉक का प्रॉब्लम है, गूगल अकाउंट का प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ, जो मेरी ईमेल आईडी है वो लगी हुई है, तो मैं आपको पहले सेटअप करके आगे दिखा देता हूँ, तो थोड़ा सा वेट करें यहाँ पर। जैसे तो फ्रेंड मेरा जो है वो पिन मांग रहा है, जो मतलब स्क्रीन लॉक जो होता है वो मांग रहा है, वो तो मुझे याद नहीं है। और मैं आपको ईमेल आईडी भी दिखा देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे स्किप का जो ऑप्शन आता है वो भी नहीं आ रहा है, और इसमें ईमेल आईडी लॉक लगा हुआ। तो सिंपली हम लोग यहाँ से पूरा बैक आया था, बैक आने के बाद यहाँ पे जो वाईफाई कनेक्ट करते हैं वहाँ पे चले जाना, उसके बाद ऐड नेटवर्क पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको वॉइस का ऑप्शन मिलेगा, वॉइस का ऑप्शन पर क्लिक करना है, और सबसे नीचे डेनी पर क्लिक कर देना, फिर से क्लिक करना है, फिर डेनी पर क्लिक कर देना है। तो मैंने डेनी पे फिर से क्लिक कर दिया। फिर से आप क्लिक करेंगे वॉइस पे, तो नीचे अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको परमिशन में जाना है, उसके ऊपर में जो सबसे ऊपर में जो सर्चिंग का ऑप्शन देख सकते हैं आप, सर्चिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आप वहाँ पे सेटिंग सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे आपको सेटिंग सर्च करके दिखा देता हूँ। सेटिंग सर्च कर गया तो आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है, और सबसे नीचे आ जाना है। तो सबसे नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आप तीसरे नंबर पे नीचे से, तो वहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग ऑप्शन मिलने के बाद वहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है, तो मैंने ओपन पे क्लिक करके मेरा सेटिंग जो है वो आपको ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद यहाँ पे आपको ऐप और नोटिफिकेशन में जाना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे ऐप एंड नोटिफिकेशन, उस पर चल जाना। और जाने के बाद जो यहाँ पे ऑल ऐप इन्फो पे चल जाना। जाने के बाद यहाँ पे आपको ऐप स्टार्टिंग पे चल जाना, स्टार्टिंग ऐप पे, तो एंड्रॉयड सेटअप पे चल जाना। देख सकते हो यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड, एंड्रॉयड सेटअप पे। तो यहाँ से आपको इसको स्टॉप कर देना है, तो मैं यहाँ से इसको स्टॉप कर दिया हूँ। तो फिर सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको गूगल प्ले सर्विस पे चल जाना है, एप्लीकेशन पे। तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस है, तो हमने इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिसेबल पहले कर देना है, और डिसेबल करने के बाद यहाँ पे स्टॉप कर देना है। तो मैंने स्टॉप कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे बैक आ जाते हैं। और उसके बाद जो है फ्रेंड आपको यहाँ पे दूसरे नंबर सबसे नीचे वाले पे एसेसबिलिटी पे चल जाना है। जाने के बाद जो है आपको इसे हम लोग को मेनू पे कहाँ गया वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सकते हैं यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी मेनू पे चल जाना है। जाने के बाद यहाँ से हमको इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अलाउ गो इट, इस पर यहाँ पे नीचे में मेरा जो है आदमी का लोगो बन के आ गया। तो यहाँ से हम लोग बैक कर लेते हैं पूरा। बैक करने के बाद जो है तो यहाँ से हम लोग स्किप कर लेते हैं, और देख सकते हैं फ्रेंड ऊपर में जो मेरा लॉक का लोगो आ रहा था लोगो भी हट गया है। तो यहाँ पे हम डाउन कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हमको एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है, और मैन वाले आदमी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे असिस्टेंट पे क्लिक करना है। फिर से हमको जब तक यहाँ पे सर्चिंग आपका घूमना चला है वहाँ पर आपको क्लिक करते रहना है। तो फिर से ये ओपन हो गया, फिर से हम लोग को यहाँ पर डाउन कॉपी करना है। तो ये जस्ट ऊपर में जस्ट सेकेंड लिखा के आ रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे जो है ऐसे क्लिक करते रहना, दो तीन बार क्लिक करना फ्रेंड। तो अभी ऐसे ही घूमता रहेगा, मतलब कितनी देर भी आप रहेंगे ऐसे चेकिंग फॉर अपडेट्स, वो जस्ट सेकेंड आपको लिखा के आता रहेगा। तो फ्रेंड ये जो ऐसे ही रहेगा आप, तो उसको कुछ करना नहीं, तो हम लोग यहाँ पर वेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ऐसे रिस्टार्ट होता रहेगा। यहाँ पर जो लोगो है वो भी हट चुका है लॉक का। तो अब हम लोग को बैक आ जाना है। बैक आने को वहीं वाईफाई वाले सिस्टम पे क्लिक कर देना है, और फिर वहाँ पे आपको अलाउ पे क्लिक करना है, फिर से सेटिंग में चल जाना है, परमिशन, फिर सर्चिंग, फिर सेटिंग्स।
और मैंने जो जिसे डिसेबल किया था ऐप इन्फो में चल जाना है, और यहाँ पे आपको सी ऑल मिल जाएगा, यहाँ पे डिसेबल वाले पे क्लिक करना है, डिसेबल ऐप्स और गूगल प्ले सर्विस जो उसको हम लोग को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ से हम लोग को बैक आ जाना है फ्रेंड, बैक आ जाना है, बैक आ जाना, बैक यहाँ देखते ऊपर में जो मेरा ये वाई क्या बोलते हैं FRP लॉक का जो ये लॉक होता है ऊपर में से वो आपको शो नहीं कर रहा, वो हट गया। यहाँ पे सेट ऑफ ऑफलाइन भी आ चुका है, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं जस्ट सेकेंड। देख सकते हैं यहाँ पे गूगल सर्विस यहाँ पे मेरा आ चुका है, यहाँ पे मोर एक्सेप्ट, यहाँ पे स्किप का ऑप्शन भी आ चुका है फ्रेंड देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे स्किप कर लेता हूँ, स्किप एनी वे। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पे आपको स्किप ऊपर में कर देना है। तो फ्रेंड देख सकते हो कितनी आसानी से आपका जो गूगल अकाउंट है वो बाईपास हो चुका है। तो फ्रेंड मैं आपको सबसे पहले इसका मॉडल नंबर जो मैं आपको सेटिंग से वो दिखा देता हूँ, तो फ्रेंड इसका मॉडल नंबर जो है आपको C11 2021 और इसका RMX हो गया 3231। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल बने रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।